है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो एम क्या है हमारे डेरिवेशन का? एम है हमारे डेरिवेशन का एक्सप्रेशन ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी आफ्टर कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर। देखो हमारे पास मान लो दो कैपेसिटर हैं, C1 और C2। जब तक हम इन्हें ज्वाइंट नहीं करेंगे, इनके बीच में कुछ एनर्जी होगी, वो होगी टोटल एनर्जी E1 और E2, इनका एक कॉम्बिनेशन रहेगा। जब हम इनको आपस में ज्वाइंट कर देंगे और फिर जो एनर्जी बचेगी, मान लो इनकी इनिशियल एनर्जी E1 थी, उसे भूल जाओ अभी, मतलब बिना ज्वाइंट करे, बिफोर ज्वाइंट वो E1 थी, आफ्टर ज्वाइंट वो E2 थी। अब आपको फाइंड आउट करनी है वो एक्सप्रेशन जिसमें ये पता चले कि एनर्जी लॉस होता है रिकम्बिनेट करने में, यानी आपको डेल्टा ई फाइंड आउट करना है। जिससे पिछले वाले क्वेश्चन में डेल्टा ई पॉजिटिव आया था, अगर अगेन डेल्टा ई पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब देयर इज लॉस इन द एनर्जी। ठीक है, तो आपको लॉस इन एनर्जी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। एम समझ में आया अच्छा, क्या करना है? ज्वाइंट करके रखना है कि नहीं रखना? देखो पहले ज्वाइंट नहीं है, आपने बिना ज्वाइंट करे टोटल एनर्जी फाइंड आउट कर ली, फिर आपने एनर्जी फाइंड आउट करी उनको ज्वाइंट करके, फिर आपने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, दोनों को जो सब्ट्रैक्ट कर दिया फिर जो आंसर आया उससे आपने कंक्लूजन निकाल लिया। ठीक है, अब आप लिखो व्हेन टू कैपेसिटर्स, इस एक्सप्रेशन के नीचे लिखो व्हेन टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड, थ्योरी वाला पार्ट, व्हेन टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड देयर इज नो लॉस इन चार्ज। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था चार्ज में कोई चेंज नहीं होता, पर देयर इज चेंज इन एनर्जी। व्हेन टू कैपेसिटर आर कनेक्टेड देयर इज नो चेंज इन चार्ज, बट देयर इज लॉस इन एनर्जी। ठीक है, इतनी एक्सप्रेशन लिखो, फिर यहां से लिखो टोटल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इनिशियली, इनिशियली का यहां पर मतलब है बिफोर ज्वाइंट देम, बिफोर कनेक्टिंग देम। ठीक है, ये आपकी है हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं ये एनर्जी मेरे पास E1 है, दो अलग अलग कैपेसिटर है, दोनों की एनर्जी लिख दी C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर, और इसको इनिशियल एनर्जी मान लेते हैं हम, इसको EI मान लेते हैं, EI, E इनिशियल। ठीक है, अब आप निकालोगे आफ्टर कॉम्बिनेशन, आफ्टर कॉम्बिनेशन या आफ्टर कनेक्टिंग भी लिख सकते हैं आप, बोथ गेन, सॉरी भी लिख देते हो साथ साथ, बोथ गेन कॉमन पोटेंशियल वी। आपने अब क्या किया, दो कैपेसिटर को एक उससे जोड़ दिया, तो अब दोनों के पास एक ही कॉमन पोटेंशियल ही अटेन कर लेंगे। कल की क्लास में हमने कॉमन पोटेंशियल की एक्सप्रेशन फाइंड आउट करी थी। नाउ फाइनल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन रहेगा उसको हम कह देते हैं EF, वो रहेगा हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर, और ये इज इक्वल्स टू में आपका आ जाएगा हाफ C1 प्लस C2V स्क्वायर। ठीक है, इतना काम आप लोग करिए जल्दी। लिख लिया तो बताते जाना। ठीक है, अब देखो EF क्या आया था हमारे पास, EF हमारे पास आया था हाफ C1 प्लस C2V स्क्वायर। कॉमन पोटेंशियल का हमने जो एक्सप्रेशन फाइंड आउट करा था कल की क्लास में, वो एक्सप्रेशन था C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2। ये कॉमन एक्सप्रेशन का पोटेंशियल, ओ कॉमन पोटेंशियल का एक्सप्रेशन था। अब इसका यहां पर हमने स्क्वायर कर दिया क्योंकि यहां वी स्क्वायर है, ये एज इट इज, और यहां पर हाफ।
ठीक है, आ रहा है समझ में आप लोगों को? अब देखो ये सी वन सी टू का एक स्क्वायर वाली पावर है, तो इससे एक पावर ये सी वन सी टू वाली कैंसल आउट हो जाएगी, तो अब आपके पास बचेगा सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू का स्क्वायर अपॉन में टू सी वन प्लस सी टू, ये एक्सप्रेशन आपकी बचेगी ई एफ। दोनों के ऊपर स्क्वायर स्क्वायर था, सी वन प्लस सी टू से नीचे वाले की एक पावर कैंसल आउट हो गई, तो ये नीचे सी वन प्लस सी टू बचा केवल, ठीक है, और ऊपर स्क्वायर ही आएगा। अब देखो अब आपको डेल्टा ई फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो डेल्टा ई की एक्सप्रेशन निकलेगी आपकी, यहां से हम इसको ई आई माइनस ई एफ करेंगे। अक्सर हम इस तरीके के क्वेश्चन में जब हमें डेल्टा निकालना होता है तो फाइनल एक्सप्रेशन माइनस इनिशियल एक्सप्रेशन करते हैं, वो भी हम कर सकते हैं, पर इसमें हम इनिशियल एक्सप्रेशन इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि इनिशियल एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है, तो वो पॉजिटिव प्रूफ करना हमें आसान होगा, इसलिए हम ई आई माइनस ई एफ देखेंगे इस केस में, ठीक है। ई आई क्या है आपका? हाफ सी वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ सी टू वी टू स्क्वायर माइनस हाफ सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू का होल स्क्वायर अपॉन में सी वन प्लस सी टू, ये एक्सप्रेशन रहा, ठीक है। अब इसको माइनस करने के लिए हमें थोड़े से टैक्टिक्स चाहिए, इतनी आसानी से ये एक्सप्रेशन सॉल्व नहीं होगा, पर थोड़ा सा ध्यान से आप लोग समझिएगा, ठीक है। अब देखो मैं यहां से क्या कर रहा हूं, मैं माइनस कॉमन आउट ले रहा हूं सबसे पहले, तो सबसे पहले मैंने माइनस कॉमन ले ओ हाफ कॉमन ले लिया, तो अंदर मेरे पास बचा सी वन वी वन स्क्वायर माइनस का प्लस का सी टू वी टू स्क्वायर, और इधर से ये बचेगा माइनस, इसका मैं ब्रैकेट खोल रहा हूँ, सी वन स्क्वायर वी वन स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर वी टू स्क्वायर प्लस टू सी वन वी वन सी सी टू वी टू, वही आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी यहां पर लगाई है मैंने, ठीक है, और ये आपका सी वन प्लस सी टू इस तरीके से रहेगा। अब इसमें एलसीएम लूंगा तो ये वाली एक्सप्रेशन इन दोनों एक्सप्रेशन पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो सी वन वी वन स्क्वायर सी वन प्लस सी टू प्लस, ध्यान से देखना बिल्कुल कोई दिक्कत हो तो तुरंत बताना, सी टू वी टू स्क्वायर सी वन प्लस सी टू, इधर से ये माइनस सी वन, चलिए इसका माइनस खोल ही लेते हैं, इधर से आप इसका ब्रैकेट खोल देंगे तो ये सारी टर्म माइनस की आ जाएंगे, सी वन स्क्वायर वी वन स्क्वायर माइनस का सी टू स्क्वायर वी टू स्क्वायर माइनस का टू सी वन वी वन सी टू वी टू, ठीक है, अपॉन में आपके आ जाएगा सी वन प्लस सी टू, ठीक है। अब आप देखिए इस वाली टर्म को आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, सी वन वी वन स्क्वायर, पहले सी वन इसमें मल्टीप्लाई होगी फिर सी टू की इसमें मल्टीप्लाई होगी, जब सी वन की मल्टीप्लाई होगी तो ये आपके पास बनेगा सी वन स्क्वायर वी वन स्क्वायर, और जब सी टू की मल्टीप्लाई होगी तो ये आपके पास बनेगा सी वन वी सी वन सी टू पहले लिख लेते हैं वी वन स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें देखिए इसमें जब सी वन की मल्टीप्लाई होगी तो ये आपके पास बनेगा सी वन सी टू वी टू स्क्वायर, और जब सी टू की मल्टीप्लाई इस एक्सप्रेशन में होगी तो ये आपके पास बनेगा सी टू स्क्वायर वी टू स्क्वायर, ठीक है, इधर से ये माइनस सी वन स्क्वायर वी वन स्क्वायर माइनस सी टू स्क्वायर वी टू स्क्वायर, और ये माइनस से टू सी वन वी वन सी टू वी टू, ठीक है, अपॉन में वही आपका सी वन प्लस सी टू। अब देखिए इस वाले टर्म से ये वाली टर्म कैंसल्ड आउट हो गई, इस वाले टर्म से ये वाले टर्म कैंसल्ड आउट हो गई, ठीक है। अब आपके पास बचा सी वन सी टू वी वन स्क्वायर प्लस
प्लस का सी वन सी टू वी टू स्क्वायर माइनस टू सी वन सी टू वी वन वी टू, इसको ऐसे लिख देता हूं मैं अपॉन में ये सी वन प्लस सी टू। सर हाँ जी, सबसे ऊपर ही टू सी वन वी वन सी टू वी टू कैसे आ गया? सबसे ऊपर टू सी वन वी वन, ये लास्ट वाली एक्सप्रेशन सबसे ऊपर ये। हाँ हाँ सर यही, ये ना हमारे पास मैथ्स में आइडेंटिटी होती है, आ गया ए प्लस बी का स्क्वायर, दुष्यंत के बोले तो कुछ भी। अच्छा अच्छा ठीक है सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, वो लगाया हमने, ठीक है उसी से आया। सी वन ऐसी चीज हो तो तुरंत बता देना चाहिए, नहीं तो फिर इसके आगे वाले स्टेप भी आपको फिर नहीं समझ में आ रहे होंगे ऐसे तो बता देना। अब देखो यहाँ तक तो हम पहुंच गए, ठीक है अब आगे देखते हैं। ऑलमोस्ट एक सेकंड, बस दो मिनट, नहीं नहीं वो लिख दिया बस, लास्ट वो ये लास्ट का रह रहा, दो मिनट। हाँ लिख लो, ओके सर हो गया। ऐसे हमें करने के लिए दे देता ना, खामा का टाइम खत्म करवा रहे। आप सॉल्व नहीं कर पाते इसे क्योंकि कई सारे स्टेप्स ना आपको थोड़े से देखने पड़ेंगे किसके बाद क्या आएगा। अब यहाँ से देखो, यहाँ से C1 C2 आप लोगों को कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा ये ना यहाँ पर हाफ भी चल रहा था, शायद मैं ऊपर लिखना नहीं भूल गया, तो यहाँ हाफ चल रहा था सबके साथ, हाफ सी वन सी टू आप लोग अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो ये वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर और माइनस टू वी वन वी टू, ये इस तरीके से बचेगा अपॉन में सी वन प्लस सी टू बचेगा। ये जो अब आपका फॉर्मूला बना, ये आपका फॉर्मूला बना वी वन माइनस वी टू के होल स्क्वायर का अपॉन में सी वन प्लस सी टू और इधर से वन बाय टू सी वन सी टू, इस तरीके से ये आपका बना फॉर्मूला। तो ये आपकी एक्सप्रेशन आई किसकी, डेल्टा ई की। अब देखो इसमें समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है कि कैपेसिटेंस वन और कैपेसिटेंस टू की जो वैल्यू है वो दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, यानी कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी तो 10 माइक्रोफेरेड 5 माइक्रोफेरेड, तो ये माइनस में नहीं होता कैपेसिटेंस, ठीक है। तो माइनस में नहीं होता इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू तो दोनों आपकी पॉजिटिव रहने वाली है इन दोनों का प्रोडक्ट। अब ये जो टर्म आई आपकी, ये स्क्वायर आ गया, अब जिसके ऊपर स्क्वायर आ गया तो वो तो डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा। अब माइनस टू का भी देखो, माइनस टू हुआ अगर आप उसका भी स्क्वायर करोगे तो फोर आ जाएगा, टू का स्क्वायर करोगे तो फोर आ जाएगा, किसी भी चीज का स्क्वायर हो तो वो टर्म पॉजिटिव ही आने वाली है, तो ये टर्म पॉजिटिव आ गई। अब सिमिलरली आप इन दोनों को एडिशन करोगे तो ये टर्म भी पॉजिटिव ही आएगी, तो कुल मिला के जो डेल्टा ई आपके पास आया, ये डेल्टा ई क्या आया, ये डेल्टा ई आपके पास एक पॉजिटिव थिंग आई, और डेल्टा ई वास्तव में था क्या, ये था ई आई माइनस का ई एफ। अगर ई आई माइनस का ई एफ आपके पास पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ई आई इज ग्रेटर देन ई एफ। दो चीजों को आपने सब्ट्रैक्ट करा और अगर वो पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब ये होता है कि जो बड़ी वाली टर्म है, पॉजिटिव वाली टर्म है, वो आपकी बड़ी है। यहां से ई आई इज ग्रेटर देन ई एफ, इससे हमें ये पता चलता है कि देयर इज लॉस इन एनर्जी, यानी ई एफ क्या था, हमारी फाइनल एनर्जी जब हमने उसको कनेक्ट कर दिया था, तो वो जो कनेक्ट करके जो एनर्जी बनी वो कम आ रही है बिना कनेक्ट किए हुए, तो इसलिए हम इस एक्सप्रेशन को कहते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर लॉस इन एनर्जी, ये वो एक्सप्रेशन है कि एनर्जी लॉस की, ठीक है। एक बार मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं, वैसे तो लिख लिया होगा आपने लोगों ने। इस एक्सप्रेशन के बाद आपको ना क्या लिखना है, इस एक्सप्रेशन के बाद आपको ये लिखना है, डेल्टा इज पॉजिटिव, और ये आप लोगों को बताना है कि वी वन माइनस वी टू का स्क्वायर देखो ये पॉजिटिव रहेगा, कैपेसिटेंस का सम भी पॉजिटिव रहेगा, सी वन सी टू का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव रहेगा, सो दैट्स व्हाई डेल्टा ई इज अ पॉजिटिव थिंग। फिर आपको लिखना है डेल्टा ई ई आई माइनस ई एफ, तो ये पॉजिटिव है तो ई आई इज ग्रेटर देन ई एफ। फिर ये लॉस इन एनर्जी का एक्सप्रेशन कैसे हो गया, यही तो लॉस इन एनर्जी का हुआ,
क्योंकि इससे हमें यह पता चल रहा है कि एनर्जी में लॉस हो रहा है भाई, इससे मुझे ये पता चल रहा है ना कि ई आई बड़ा है ई एफ से, ई आई बड़ा है ई एफ से, तो इस बात से ये पता चलता है कि एनर्जी में लॉस हुआ, कि मतलब पहले एनर्जी ज्यादा थी जॉइंट करने के बाद कम हो जाएगी, कम हो गई। अगर ई आई लेस, वर्क डन भी कम होगा, नहीं वर्क डन नेगेटिव होगा, बस वर्क डन ही तो होता है एनर्जी। हाँ भाई कम होगा, कम होगा तो कोई, यहाँ पर एनर्जी की बात चल रही है, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन आप लोग लिख लो, उसके बाद ये हम लिख रहे हैं कि जो लॉस इन एनर्जी हुआ दिए तो हुआ क्यों भाई, कुछ तो एनर्जी कहीं तो ट्रांसफर होगी। हम पढ़ते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी ट्रांसफर होगी। ये नीचे इधर क्या लिखा है, कहाँ पर, ये जो ई आई ग्रेटर देन ई एफ के नीचे, इधर इधर सबसे इधर, ये इसके नीचे ई आई इज लेस देन ई एफ, ये कुछ और समझा रहा था मैं, ये रहने दो, ई आई इज ग्रेटर देन ई एफ, बस इतना ही लिखो, ठीक है। आई होप सबने लिख लिया होगा। अब इसके बाद लिखो आप द लॉस ऑफ एनर्जी, टेक्स्ट में लिख लेते हैं, चलो ये जो दिस लॉस इन एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी एंड This loss in energy is in the form of heat energy and electromagnetic radiation. देखो radiations मतलब क्या होता है, एक तरीके से ये समझ लो कि कोई भी अगर आपकी बॉडी है वो हीट एमिट करती है, तो सराउंडिंग्स में जो वो भेजती है तो उसको हम कहते हैं रेडिएशन। जैसे कि सन है, सन से जो रेज यहाँ पर आती है तो उसको हम बोलते हैं सोलर रेडिएशन। एक तरीके की एनर्जी होती है, एक तरीके की फॉर्म होती है। तो यहाँ पर जो एनर्जी में लॉस हो रहा है तो वो कहाँ लॉस हो रहा है, उसका मतलब या तो कैपेसिटर थोड़ा सा गर्म हो गया तो वो हीट एनर्जी में लॉस माना गया, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब कैपेसिटर ने थोड़ी सी अपनी एनर्जी रेडिएट कर दी। बाकी ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टर्म है ये हमारे आगे आने वाले चैप्टर्स में हम इसे डिटेल में देखेंगे, ये काफी ब्रॉड टर्म है। फिलहाल के लिए आप इतना समझ सकते हैं कि जो लॉस हुआ वो हीट एनर्जी के रूप में हो गया, यानी कैपेसिटर गर्म हो गया होगा तो कुछ अमाउंट में एनर्जी कम हो गई होगी, ठीक है। अब लगभग हम काफी चीजें कर चुके हैं, एक इसमें बस एक मेन डेरिवेशन हमारा और बस कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट और सीरीज कॉम्बिनेशन ये रहता है, उसके लिए बस एक क्लास और लगेगी फिर ये चैप्टर कंप्लीट। और इसके साथ साथ अब नेक्स्ट संडे को आप लोगों का टेस्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट संडे तारीख बताओ, नेक्स्ट संडे कौन सा, नेक्स्ट संडे जो अपकमिंग संडे है इसके जस्ट अगला वाला, ठीक है। डेट है आज 15, कल होगी यानी 16 को, जो इससे अगला वाला संडे आएगा उसमें आप सबको बता रहा हूँ मैं, पोटेंशियल का टेस्ट आप लोगों का रहेगा, ठीक है। सबने वो टेस्ट देना है, पोटेंशियल में कहाँ तक रहेगा, बिफोर कैपेसिटर तक ही अभी आप लोगों का टेस्ट है, उसके बाद कैपेसिटर वाले पोर्शन को हम छेड़ेंगे। तो पोटेंशियल आप लोगों ध्यान से करना, और कैपेसिटर में बस लास्ट टॉपिक एक हमारा रह गया, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पैरेलल प्लेट और सीरीज वाला, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन, उसके बाद ये चैप्टर लगभग आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम अगले चैप्टर पे बढ़ेंगे। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल भी करा दिया करो, इसके लिए हम अलग से कभी क्लास रखेंगे, अभी फिलहाल हम थ्योरी और जो एक दो क्वेश्चन है सही है इतने इम्पोर्टेंट है नहीं एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स, ठीक है। जो थ्योरी है जो सारी जो मैं आप लोगों को करा रहा हूँ एनसीईआरटी की थ्योरी है, तो मेजर पोर्शन जो हमारे पास आता है वो किसका आता है, डेरिवेशंस का आता है और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस का आता है। तो यानी डेरिवेशन आप लोग कर लेंगे अच्छे से तो उस पे जो दो तीन क्वेश्चंस बन के आते हैं, और ये जो बीच बीच में मैं आपको क्वेश्चन कराता रहता हूँ ये उन्हीं में से निकल के आते हैं, ठीक है। और जो मेजर क्वेश्चन रहेंगे एनसीईआरटी के कभी वो हम देखेंगे जब हमको समय मिलेगा। और बैकलिंग आप लोगों के स्कूल में जो लोग जो कराते रहे साथ साथ उनको आप देखते रहना, और कभी आप लोगों को टाइम मिले तो आप लोग खुद से भी एनसीईआरटी के लगा सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। क्योंकि अब आप देखो एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल्स इतने हैं कि अगर हम अभी तक पहले चैप्टर के ही कर रहे होते तो अब तक हम वही न्यूमेरिकल्स कर रहे होते सिर्फ, यानी चैप्टर नंबर 1 के ही करते रह जाते, ठीक है। न्यूमेरिकल्स आपको काफी हद तक, मैं कह रहा हूं जो हमसे नहीं होते वो वाले, जो आपसे नहीं होंगे वो आप मुझे पर्सनली वो पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है।
बाकी सब अलग अलग उस दिन तो मना कर रहे थे कि पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं बताऊंगा मैं। मैंने तो कभी मना नहीं किया, मैंने तो तुझे कहा घर पे भी आ जा, तू घर पे भी नहीं आया। उस दिन याद कर लो उस दिन क्या कहा जब था? मैं और आर्यन पूछ रहे थे, मैंने बताया था, और उस दिन तू भागा चला जा रहा था कि मेरे को दवाई लेनी है, तो मैंने कहा ले ले दवाई फिर, ठीक है। बाकी मैंने बताने के लिए मना नहीं किया, और तेरे को खुद मैं डेली पूछता हूँ कि बता भाई क्या प्रॉब्लम थी, कह रहा कुछ नहीं। अरे कुछ और कह रहा हूँ मैं, तू बस कुछ और, दो दिन पहले की बात, दिक्कत नहीं है, चलो पूछ लियो, दो दिन पहले की बात। एंड हो गया, हाँ एंड हो गया, आप लोग जा सकते हैं, ठीक है, नमस्ते। थैंक यू सर, ठीक है जी, नमस्ते। मैं दो दिन पहले की बात कर रहा हूँ, जब मैं आज पूछ रहे थे लड़का है लड़की। अच्छा तो वो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो सिलेबस रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। अभी ऐसा क्या भाई होता है, वो तो भाई क्वेश्चन तो क्वेश्चन है। देखो कुछ डिटेल्स होती है जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में कॉन्फिडेंशियल, जिसे आप शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। वैसे तो ऐसी कोई बात नहीं है, तुम तो कॉमन सेंस से इतनी देखते नहीं, आवाज किसकी आती है, लड़के की आती है लड़की की आती है, है? आर्यन का क्वेश्चन था कि ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे क्यों बोलते हैं, उसका सिर्फ ये क्वेश्चन था। एक मिनट पहले देखूँ मैं कौन कौन है, चल तू ही और मैं ना, हाँ ठीक है। उसका ये क्वेश्चन था कि ये इकरा लड़का है या लड़की है, मैंने कहा ये पर्सनल इन्फो में है, ये मैं नहीं दे सकता, बस इतना ही बोला। अब इसमें क्या गलत कह दिया, तो यार क्वेश्चन राइज कर दिया ना हमारे दिमाग में। चल पढ़ ले, अब फालतू बात में ध्यान न लगाएगा। नमस्ते नमस्ते।